हाई गाइस, सो वेलकम टू अमेजोन VCS एसोसिएट लाइव। ड्यूरिंग अ फेस्टिव सीजन मीन्स जब सेल आती है तब क्या फ्लो रहता है यहाँ पर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फेस्टिवल चल रहा है, बट एक महीना हो गया ग्रेट इंडियन फेस्टिवल को स्टार्ट हुए में। सो स्टार्टिंग में किस तरह से कॉल्स आते हैं, अभी क्या फ्लो है, कितने कस्टमर्स आते हैं, मैं कितने तरह कॉल्स ले लेती हूँ एक दिन में, इसके बारे में बात करेंगे। सो स्टार्टिंग यानी एक महीने पहले से स्टार्ट हो गया था ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। कब हुआ था स्टार्ट ये तो पता नहीं, बट लास्ट मंथ हो गया था। सो स्टार्टिंग में हमें आती थी प्राइम कॉल्स, प्राइम मेंबरशिप रिलेटेड, प्राइम मेंबरशिप में जो भी इशू आ रहा है उसके रिगार्डिंग आती थी। वेल मुझे भी कॉल हैंडल करनी पड़ती थी अगर वो प्राइम कॉल होती थी। वेल हमें ट्रेनिंग दी जाती थी इसके रिगार्डिंग एंड फिर हम कॉल्स लेते थे। सो स्टार्टिंग में आती थी प्राइम कॉल्स, करीब करीब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्राइम कॉल्स आई थी यानी भर भर के। उसके बाद आई हमारे पास क्वारीज जो कि रिगार्डिंग होती है कैशबैक, डिस्काउंट्स वगैरह। कस्टमर्स अवेल नहीं कर पाता है डिस्काउंट, कैशबैक उनको मिल नहीं पाता है, तो उसके रिगार्डिंग हमें बताते थे जो कि उसमें हम कस्टमर को हेल्प करते थे। तो उसके बाद यानी प्राइम कॉल्स के बाद इस तरह की क्वारीज आने लगी। एंड उसके बाद आने लगी WMS क्वारी, यानी कि हमारा स्टफ किधर है, हमारा प्रोडक्ट कहाँ है, इसके रिगार्डिंग अभी तक कॉल्स आ रही है। बट पहले स्टार्टिंग में ठीक ठाक कस्टमर आ रहे थे, बीच में बहुत ज़्यादा एटेड कस्टमर आ रहे थे जो कि मतलब वेट कर करके परेशान हो गए हैं। ऐसी कॉल्स आती थी, ऐसी कॉल से मैं खुद डरती हूँ क्योंकि मुझे खुद से संभलते नहीं है ऐसे कस्टमर, क्योंकि वो नहीं समझते एंड नहीं हम इतना कुछ कर सकते उनके लिए। बट जो भी मेरे पास होता है ऑप्शन मैं ट्राई करती हूँ एंड मोस्टली हो जाता है इशू सॉल्व, बट कभी कभी नहीं हो पाता है एंड उस टाइम पे हमें सर्विस नो करना पड़ता है। अभी अगर आज की बात करें तो कॉल फ्लो अच्छा था, बट शाम के टाइम मुझे मिल रहा था अवेल जो कि 5 मिनट का अवेल था। सो 5 मिनट का मुझे अवेल मिल रहा था जिसमें मैंने बहुत मजे करे, साथ ही साथ अच्छी कॉल्स गई एंड मोस्टली आज सारी कॉल्स आई इंग्लिश कॉल्स, एक दो होगी जो हिंदी कॉल्स आएगी, बाकी मोस्टली सारी कॉल्स इंग्लिश कॉल। अनऑथेंटिकेट कॉल्स आ रही थी जिसमें मैं अकाउंट को भी ऑथेंटिक करना पड़ा था, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। बट कस्टमर बहुत अच्छे थे आज के, इंक्वायरीज तो बहुत बुरी बुरी आई थी, लाइक 40-40 मिनट, 30-30 मिनट मैं हर कॉल पे इतना स्पेंड कर रही थी। बट फाइनली शाम को अवेल आ गया था तो ठीक था। तो अभी ऐसे कॉल्स आ रही है, WMS भी आ रही है, दूसरी कॉल्स भी आ रही है, ट्रांसफर कॉल्स भी आ रही है, एंड लेट्स सी आगे क्या कॉल्स आती है। एंड हाँ, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल चल रहा है तो हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें विनर्स होते हैं, सो सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट कार्ड मिलते हैं, तो मुझे भी गिफ्ट कार्ड मिले थे दो। आज है 23rd अक्टूबर, सो मॉर्निंग में 10 AM पे मुझे लॉगिन करना था तो मैंने कर दिया था। वेल स्टार्टिंग में 1 या 2 मिनट की शायद मुझे मिल रही थी अवेल, देन हो गई स्टार्ट कॉल फ्लो, मतलब बढ़ गया था एक के बाद एक कॉल। सो मॉर्निंग से इंग्लिश कॉल, दूसरा क्वायरीज डिफरेंट आ रही थी, सिमिलर नहीं थी, एंड मोस्टली कॉल्स ट्रांसफ़र कॉल्स थी जितना मुझे याद है, बट ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो WMS को आ रही थी तो ठीक ठाक थी, ट्रांसफ़र कॉल्स थी तो थोड़ी परेशानी हो रही थी, एंड बाकी जो भी क्वेरीज थी वो कुछ अजीब अजीब सी थी। फिर से आज मुझे एक क्वेरी आई जो की थी अकाउंट क्वेरी, जैसे कल आई थी वैसी आज आई थी। सो अकाउंट क्वेरी इतनी ज़्यादा इरीटेट, प्लस समझ नहीं आता कि क्या करना है कैसे करना है, यही इशू आता है। इवन जैसे हमारी हेल्प करने के लिए हमारे मैनेजर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, डिफरेंट टीम होती है, लीड होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं अगर हमें कोई भी इशू आता है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं उनसे रीच आउट नहीं कर पा रही थी एंड उसकी वजह से मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। 1 या 2 बजे तक तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा इरीटेट थी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड उसके बाद मैंने करीब 2:30 बजे जाके अपना लंच ब्रेक किया, यानी बहुत ज़्यादा लेट किया आज मैंने अपना लंच ब्रेक। इवन मैंने मेरा ब्रेक टू भी बहुत ज़्यादा लेट लिया था क्योंकि मेरी कॉल बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी। तो मॉर्निंग से लेकर मेरे 2 या 3 बजे तक तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट उसके बाद आ गया था थोड़ा बहुत अवेल, उसके बाद फटाफट टाइम निकल गया एंड जैसे 7 बजे ना बस लॉग आउट कर लिया। बट 7 बजे के बाद मैं अपने फ्रेंड से बात करी थी एंड बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।